नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे वाराणसी में बन रहे नए घाट, जो कि सामने घाट पर बन रहा है, उसका कितना काम हुआ है उसे इस पूरा वीडियो दिखाएंगे। आज तारीख है 16 मई और दिन है गुरुवार का। तो चलिए बैक कैमरे से वीडियो शुरू करते हैं और इस घाट का दृश्य आपको दिखाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं नए घाट का दृश्य, जो कि सामने घाट पर ये नया घाट बना है, जिस पर कि शानदार तरीके से स्टील की रेलिंग लगाई गई है। अंदर की तरफ आपको चलकर दिखाते हैं। इस घाट का निर्माण कार्य लगभग पूरा होता हुआ फिलहाल ये जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर पार्किंग और गार्डन एरिया विकसित किया जाना है, लेकिन घाट पूरी तरीके से बनकर तैयार है, जिसमें कि आप ये देख रहे हैं रेलिंग का निर्माण कार्य यहाँ पर खूबसूरत। यहाँ पर छतरियों का भी निर्माण कार्य हुआ है, जैसा कि आप इस छतरी को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस खूबसूरत से दृश्य को दिखाते हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी शानदार ये लुक है यहाँ पर नए घाट का। आगे ही आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर 4 छतरियों का निर्माण कार्य किया गया है, 2 शौचालय वहाँ पर बनाए गए हैं और लाइट की भरपूर व्यवस्था, एक सार्वजनिक शौचालय भी यहाँ पर बनाया गया है। जैसा कि आप इस खूबसूरत से छतरी को देख रहे हैं, राजस्थानी स्टाइल में ये छतरियाँ बनाई गई हैं, जो देखने में काफ़ी आकर्षक है। गोल छतरी इस प्रकार, और इस तरफ देखेंगे तो ये है आपका, इस घाट पर शौचालय की भी व्यवस्था है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार का यहाँ पर स्टेप बनाकर स्टील की रेलिंग लगाई गई है, जहाँ से आप नीचे गंगा का दृश्य शानदार देख सकते हैं। ये भी आपका स्टील लगाकर इसको यहाँ से इस घाट का काफ़ी शानदार लुक व्यू नज़र आता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। तीन स्टेप इस तरफ बना है और 3 स्टेप आगे की तरफ बना है। तो चलिए अब घाट के नीचे से आपको ले चलते हैं और वहां से आपको मैं इस घाट का लुक दिखाता हूं। शाम के करीब 5 बजने वाले हैं, इस घाट का आप खूबसूरत दृश्य देख रहे हैं, वाराणसी के सामने घाट पर बना ये नया घाट। जैसा कि ये देख रहे हैं करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से इस नए घाट का निर्माण कार्य हुआ है। सामने ही रामनगर का किला और सामने और रामनगर को जोड़ने वाला वाराणसी का ये पुल, एक तरफ रामनगर दूसरी तरफ वाराणसी। चलिए और नीचे की तरफ ले चलते हैं।
इस प्रकार का यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। स्टील की रेलिंग लगाकर और 3 स्टेप बनाए गए हैं, चबूतरे का निर्माण कार्य हुआ है और इन चबूतरों पर खड़े होकर आप नीचे और सामने खूबसूरत नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल ये सामने की तरफ, इस चबूतरे पर अभी फ़िलहाल रेलिंग नहीं लगाई गई है, 2 चबूतरा यहाँ पर छूटा हुआ है, जबकि 3 पर यहाँ पर बना दिया गया है चबूतरे पर रेलिंग। वाराणसी में कुल घाटों की संख्या 86 हो गई है। पहले 84 घाट था, उसके बाद नमो घाट बना सबसे आधुनिक घाट, और फिर आपका ये सामने घाट पर बना ये नया घाट। बिल्कुल नीचे की तरफ चल के मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से आप देखेंगे तो गंगा का जल स्तर भी यहाँ से कम होता हुआ काफ़ी नीचे तक के गंगा जी का जल स्तर जा चुका है। यह है आपका नीचे से ऊपर की तरफ पूरा घाट का दृश्य। 110 मीटर लंबा ये घाट। इस घाट का शुरुआत में नाम रखा गया था छठ घाट, जहाँ पर छठ पूजा के लिए इस घाट को बनाया गया है। करीब करीब पूरी तरीके से बनकर ये घाट तैयार है, सिर्फ छोटे मोटे यहाँ पर काम बचे हैं इस घाट पर, उसे भी पूरा किया जा रहा है। रामनगर का किला आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं, काफी शानदार व्यू नजर आता है यहाँ से रामनगर के किले का। और दूर आप देख रहे हैं वो है आपका विश्व सुंदरी पुल और ये नया घाट। और सामने ही जज गेस्ट हाउस है। तो चलिए दोस्तों एक बार इस घाट का और दृश्य मैं दिखाता हूँ ऊपर से चलकर। ये पूरा 110 मीटर लंबा ये घाट, यहाँ से फुल व्यू आप देख रहे हैं घाट का और ऊपर की तरफ जज गेस्ट हाउस। यहाँ मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर फिनिशिंग का काम चल रहा है, जैसा कि आप इस तरफ देख रहे हैं टाइल्स की घिसाई का काम चल रहा है इस नए घाट पर। चलिए आपको ऊपर की तरफ से चलते हैं एक बार फिर। काफ़ी ऊंचाई पर ये घाट बनाया गया है और पहाड़ में संभवतः ये घाट ऊपर तक के यहाँ पर गंगा जी का जल स्तर नहीं पहुँचेगा, नहीं तो हर साल यहाँ पर
ये घाट डूब जाता, काफ़ी ऊंचाई पर बना है ये नया घाट। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव। दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाएं तो एक छोटी सी आशा चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि छोटे छोटे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है यहाँ पर, और वो भी सामने घाट पर, जिसका कि आप ये बोर्ड के माध्यम से देख रहे हैं। यहाँ पर हर शाम को बच्चों की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है इस ट्रस्ट के द्वारा। अभी आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि इसी ट्रस्ट के हैं। मेरा नाम मुकेश सिंह है, मैं छोटी सी आशा चैरिटेबल ट्रस्ट से हूँ। छोटी सी आशा चैरिटेबल ट्रस्ट जो है गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देती है, साथ में हम लोग कॉपी किताब भी देते हैं, बैठने के लिए मैट बैग, और इनका समय समय से टूर ट्रिप भी होता है। जैसे अभी हम लोग समर ट्रिप पे ट्रेड सेंटर गए थे, जो कि 2018 में मोदी जी ने उनका उद्घाटन किया था, और बहुत ही अच्छा ट्रेड सेंटर है, सभी बच्चों को ले गए थे घुमाने। छोटी सी आशा चैरिटेबल ट्रस्ट बनारसी में पहला सेंटर है इसका ये, लेकिन इससे पहले गुजरात कुदासन सरगासन सोला अहमदाबाद में तीन जगह और भी सेंटर है। छोटी सी आशा चैरिटेबल ट्रस्ट का मकसद है एजुकेशन इज़ द ओनली वेपन टू चेंज द वर्ल्ड, शिक्षा ही एकमात्र जरिया है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी को भोजन देते हैं तो उससे एक दिन की भूख मिटती है, लेकिन अगर आप किसी को शिक्षा देते हैं और वो भी निःशुल्क, तो वो उस शिक्षा के माध्यम से अपने पूरे परिवार का जीवन यापन कर सकता है और अपनी अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकता है। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ये जो बच्चे यहाँ आते हैं वो सब गरीब के बच्चे हैं, और इनके जो पेरेंट्स हैं बड़ी मुश्किल से अपने लिए पैसा इकट्ठा करते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। इतना खास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इनके पास कि अच्छे स्कूल और विद्यालय में पढ़ा सके, लेकिन हमारा एक और पर्पज़ है, अगर कोई बच्चा बहुत ही अच्छा है पढ़ने में तो हम उनको बनारस के अच्छे विद्यालय में एडमिशन भी कराते हैं। डेली 4:30 से 6:30 हम गंगा तट पे मौजूद रहते हैं, गार्जियन खुद ही बच्चों को छोड़ जाते हैं और आकर शाम को फिर वापस छुट्टी के बाद ले जाते हैं। निकिता जी इनकी चेयरपर्सन है, जो कि गुजरात से हैं, अभी कुछ दिन पहले आई थी और चली गई हैं। निकिता जी, यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो इस प्रकार यहाँ पर घाट पर निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, इसका दिखाने का मकसद एक ही है कि आप अपने जितने भी बनारस के रहने वाले हैं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे, वो यहाँ आके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं छोटी सी आशा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से सामने घाट पर। आगे आप देख रहे हैं सामने घाट, वाराणसी रामनगर को जोड़ने वाला ये एकमात्र पुल, और इसी के नीचे में ही इस नए घाट पर इन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की जाती है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में इस दृश्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।